हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों स्वागत है। और आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा कमाल की नॉलेजबल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चुटकियों में किसी भी नंबर को आप कैसे ब्लॉक कर सकते हो और कैसे अनब्लॉक कर सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले गाइस आपको करना क्या है, देख सकते हो यहाँ मेरे पास जियो का फोन है और ये F320B है जो कि नया मॉडल है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है गाइस, आपको यहाँ पर देख सकते हो कॉन्टैक्ट में जाना है, किसी भी नंबर को आपको यहाँ पर कोई भी नंबर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले देख सकते हो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारे जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो आने के बाद यहाँ पर जो हम किसी भी यहाँ पर एक नंबर को जो देख सकते हो गाइस, यहाँ पर हम एक नंबर को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, हम इसको जो ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो नंबर ये आ चुका है, आने के बाद आपको इधर ऑप्शन पर जाएंगे। ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, नीचे जाओगे तो यहाँ पर दिख जाएगा आपको ब्लॉक दिस नंबर। तो आपको ब्लॉक दिस नंबर पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो देख सकते हो यू कैन नॉट रिसीव फोन कॉल्स, ठीक है गाइस। तो आपको इसको ब्लॉक पे क्लिक करना है। ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद जो नंबर है ये जो हमारे ब्लॉक हो चुके हैं, देख सकते हो ब्लॉक वाले यहाँ पर ऑप्शंस भी जो आ चुका है। आने के बाद गाइस आपको सिंपली करना है कि आपको जो इसको बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको सिंपली बैक करना है। बैक करने के बाद फिर से आपको कॉन्टैक्ट में जाना है। कॉन्टैक्ट में जाने के बाद आप तो एक ऑप्शन तो है, आप इसको क्लिक करके अनब्लॉक कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन पर जाना है, आपको इस पर क्लिक करना है, फिर आपको ऑप्शन पर जाना है और नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा ब्लॉक दिस नंबर, यानी कि अनब्लॉक कर सकते हो। आपको अनब्लॉक दिस नंबर आपको सिंपली बैक करना है और जो भी आपके नंबर अनब्लॉक है या ब्लॉक आपने कर रखे हैं ऑलरेडी पहले से ही, तो भी आपको नंबर कैसे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं, आपको सिंपली बैक करना है। बैक करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट पर जाना है। कॉन्टैक्ट पर जाने के बाद इस साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, तो आपको सिंपली सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आने के बाद सिंपली आपको नीचे आना है, थोड़ा और आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे साइड में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ब्लॉक कॉन्टैक्ट। तो आपको सिंपली इस पर जो क्लिक करना है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जो आपने अभी ए के नाम से देख सकते हो नंबर यहाँ पर ब्लॉक किया था, तो वो यहाँ पर जो शो कर रहा है। तो आपको सिंपली करना है कि इसमें दो ऑप्शंस मिलेंगे नीचे की साइड में, एक मिलेगा ब्लॉक का, एक मिलेगा अनब्लॉक का और एक मिलेगा ऐड का। यानी कि आप कोई भी और नंबर ऐड करना चाहते हो तो ऐड वाले पर आपको क्लिक करना है, और अनब्लॉक करना चाहते हो तो आपको अनब्लॉक पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर रिमूव दिस ब्लॉक कॉन्टैक्ट, यानी आपका जो ब्लॉक वाला कॉन्टैक्ट था वो रिमूव हो चुका है। अब आपके फोन में कोई भी जो ब्लॉक वाला नंबर है वो नहीं रहा है। तो गाइस आप इस तरीके से चुटकियों में जो अपने किसी भी नंबर को जो आपको परेशान कर रहा है, कोई भी किसी का भी नंबर हो सकता है वो, तो उसको आप चुटकियों में ब्लॉक कर सकते हो। और अनब्लॉक कैसे करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया किसी भी नंबर को, और आपकी जो सारी मुसीबत है वो यहाँ पर जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यार ये वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक कर देना। चैनल पर दोस्तों नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो पहले दोस्तों देखने को मिलती रहें।